नाउ वी आर कमिंग टू डायरेक्शंस एंड साइजेस। हर एक साइन जो होता है वो आपका एक, ये नॉर्मल है। देखिए मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके बता देती हूँ, ठीक है। हम जनरली इस लाइन के ऊपर अपना सिग्नेचर करते हैं, बट आइडियल सिग्नेचर जो होता है वो ये है। तो वो डायरेक्शन क्या हुआ? इट इज एन अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। और एक और डायरेक्शन मैं आप लोगों को बताती हूँ जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन से नीचे कई लोग करते हैं, उसका भी मैं बताऊंगी। दिस इज अ बिग नो। और वो क्यों है? देखिए, जो ऊपर की तरफ साइन करते हैं, जिनका जो ऊपर की तरफ जाता है डायरेक्शन, वो पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं, बड़ा सोच रखने वाले होते हैं, पॉजिटिव सोच रखने वाले होते हैं, वो ग्रोथ अचीवर्स होते हैं। मतलब उन्होंने अगर कोई गोल सेट किया है तो वो उसकी तरफ मूव करेंगे, अपने सारे जितने भी काम हैं या अपनी लाइफ को उसी हिसाब से डिजाइन करेंगे कि वो उनकी ग्रोथ हो सके और चीजों को सीखने में, उनको अप्लाई करने में लाइफ में, और हमेशा एक्शन में रहे। क्लियर? जो स्ट्रेट होते हैं उनकी लाइफ जैसे शुरू होती है वो एकदम सीधी सीधी जाती है, जैसे होते हैं वैसे ही चलते जाते। कल एक पार्टिसिपेंट थी, उनका साइन ऐसा ही था, तो उनको बड़ा अजीब सा लगा था ये बात सुन के कि अरे मेरा तो वैसा ही निकला जैसा आप बता रहे थे कि एकदम स्ट्रेट ही आया है। अच्छा, आप लोगों ने रतन जी टाटा जी का सिग्नेचर देखा है किसी ने? देखिए दिखाती हूँ मैं, ये वाला सिग्नेचर देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर, ये दिख रहा है? जी ये रतन जे टाटा जी का सिग्नेचर है। आप देखिए पूरा एक सीधा एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ये। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, मिडिल जोन आपको समझ आ गया। इसको हम कहते हैं अप डायरेक्शन में, अप ऊपर की तरफ जाना, ये हो गया स्ट्रेट, ये है डाउनवर्ड्स। अभी जिनके डाउनवर्ड में होता है तो क्या होता है? उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, उनके नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा होंगे, वो अपने ऊपर डाउटफुल रहते हैं जनरली कि पता नहीं मैं ये कर पाऊं नहीं कर पाऊं, क्योंकि उनकी सोच धीरे 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 नीचे की तरफ जाती है। सेफ प्ले करना पसंद करते हैं, रिस्क टेकर्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं, चैलेंजेस नहीं लेने उन्हें लाइफ। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके। आप लोगों ने सपने, याद है आप लोगों को जब स्कूल में थे, जब शुरू में राइटिंग स्टार्ट करा था, स्कूल में टीचर्स राइटिंग लिखवाती थी तो 3 लाइन की कॉपी होती थी, याद है सबको? है हाँ ना? तो चलिए आज हम वही बनाएंगे, ओके। दिख रही है 3 लाइन सबको? इसको और थोड़ा बड़ा कर दूं। अब ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ लिखते हो, ठीक है। इसके ऊपर जो होता है वो, इसको हम बोलते हैं अपर जोन, ये मिडिल जोन जहां पर आप लिखते हो, और ये होता है लोअर जोन। याद है आप लोगों को, ऐसे ही सीखा था आप लोगों ने भी। ये जो अपर जोन से जो भी चीजें टच होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बी लेते हैं, अगर मैं आपको सब कर्सिव में लगा बना के भी दिखाऊंगी और नॉर्मल, हम जो बी लेते हैं ऐसे लिखते हैं, ये हो गया अपर जोन की बात। ए सी ई, ये आ गए आपके मिडिल जोन। अब आता है जी, ये आया आपका लोअर जोन। ये क्लियर है सबको? अपर जोन, मिडिल जोन और लोअर जोन। अब क्या होता है? जो अपर जोन होता है, अपर जोन मतलब ये वाला, तो ये जो अपर जोन है ये आपका मेंटल एनर्जी को दिखाता है। मेंटल एनर्जी मतलब कि आप कितना ज्यादा सोच सकते हैं और कितने ज्यादा फास्ट हैं थिंकिंग में, ओके। ये जो मिडिल जोन है, ये मिडिल जोन आपकी पावर बताता है कि आपके अंदर शक्ति कितनी है। देखिए दोनों में अंतर है, एनर्जी को आप शक्ति मत लीजिएगा, क्योंकि पावर और जो एनर्जी है वो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। पावर वो होती है जो आप चारों तरफ से लेते हो, और एनर्जी यहाँ पर आपकी खुद की एनर्जी है, पर्सनल एनर्जी। और जो मिडिल जोन होता है वो आपका नेचर है, जो आपका बिहेवियर है, आप किस तरह से अपनी लाइफ जीते हो, ये उसको दर्शाता है। दोनों में डिफरेंस है, कहीं
कंफ्यूज मत होइएगा। द अपर जोन रिप्रेजेंट्स योर मेंटल एनर्जी, जल्दी थक जाना, हमेशा काम करते रहना, वो आपकी एनर्जी है। पावर मतलब आप कितना अपने आसपास की चीजों से पावर ले रहे हो, और बिहेवियर मतलब किस तरह से आपकी लाइफ का बिहेवियर है, आप किस तरह से अपनी लाइफ को जीते हो। तो द नेचर ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ वन सेल्फ। अब मैं आपको लूप्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाती हूँ। कभी कभी क्या होता है, आपने इस टाइप के साइन सिग्नेचर्स में भी देखा होगा, ये थोड़ा सा ग्राफोलॉजी का भी पार्ट है बट सिग्नेचर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाई बना रही हूँ और मैं ऐसे कर दूँ, ठीक है, तो इसका मतलब हो रहा है यहाँ पर है कि मैं अपने पास्ट से ज्यादा जुड़ी हुई हूँ और उसको लेट गो नहीं कर रही। अगर मैं वाई को ऐसे बना के छोड़ देती हूँ तो मतलब चाहे मेरे अंदर कितने ही थॉट्स आ रहे हो, चाहे पैसा आ रहा हो, वो सारा जैसे आ रहा है उसी स्पीड से नीचे भी जा रहा है, रुकने का कहीं कोई वो नहीं है। ये ऐसे लोग ना प्रेजेंट में ही जीना पसंद करते हैं, ना इन्हें पास्ट का से कोई मतलब है ना फ्यूचर से कोई मतलब है। अब अगर मैं इस वाई का ये जो लूप है ये यहाँ छोड़ देती हूँ, इसका मतलब है कि मैं पास्ट में तो जा रही हूँ लेकिन पास्ट से होकर मैं अपने आप को भी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। एक और यहाँ पर पास्ट में जाके फिर वापस जाके और ऊपर की तरफ, मतलब पास्ट में जाके वहां से सीख कर और फिर अपनी ग्रोथ करना, ये इस तरह का वाई जी वो चीजें दर्शाता है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट पॉइंट वेरी क्लियर, दैट वाई जो है इफ इट इज लेफ्ट एट दिस साइड ऑन द लेफ्ट साइड ओपन, इट मीन्स द पर्सन लाइक्स टू लिव इन द पास्ट। सेकेंडली, इफ द स्ट्रेट लाइन इज जस्ट लेफ्ट डाउनवर्ड्स, इट मीन्स कि द पर्सन लिव्स इन द प्रेजेंट। इफ इट इज कर्व्ड ऐसा लूप बन के अगेन इट इज गोइंग अप बट नॉट टचिंग द लोअर पार्ट ऑफ वाई, इट मीन्स द पर्सन इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द पास्ट वॉन्ट्स टू गो टूवर्ड्स द फ्यूचर और द प्रेजेंट सेल्फ बट हैजंट रीच यट। और इसमें द पर्सन हैज लर्न समथिंग फ्रॉम द पास्ट, जो भी उसकी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं या हमारे आसपास के जो लोग हैं जो सिचुएशंस हैं उनसे, द पर्सन हैज लर्न मेनी थिंग्स एंड नाउ गोइंग टुवर्ड्स द प्रेजेंट एंड नाउ वहां से सीखने के बाद द पर्सन इज गोइंग इन द फ्यूचर, द ग्रोथ इज इन द फ्यूचर। अब अगर ये यही वाला जो लूप है लास्ट वाला हम लेते हैं, ठीक है, ये अगर लूप बहुत बड़ा हो रहा है, अगर ये लूप जो है चाहे जी का हो और ये बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये इंसान काफी इगोइस्टिक है, वो बहुत ज्यादा अपने अंदर ही रहता है, ऐसा इंसान बहुत इगोइस्टिक होता है। यहां तक सबको क्लियर है? लूप्स क्लियर हो गए, डायरेक्शन क्लियर हो गया, ठीक है।